थर्ड फैक्टर की तरफ दैट इज टाइप ऑफ वायर सो अगर हम कंडक्टिंग वायर्स की बात करें तो कुछ वायर्स ऐसी होती हैं जो कि गुड कंडक्टर होती हैं अच्छी कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की जबकि कुछ वायर्स हमारे पास होती हैं दैट आर द बैड कंडक्टर्स सो इस uh, को बेहतर तरीके से समझने के लिए वी हैव एक्टिविटी नंबर सिक्स जहाँ पे हमारे पास टू वायर्स हैं फर्स्ट वन इज द कॉपर वायर एंड सेकेंड वन इज द एल्यूमिनियम वायर दैट वी यूज टू बिल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट्स सो लेबल एंड अटैच द वायर टू बैटरी एंड एल ई डी कंपेयर विच वायर Uh, जो किस वायर से हमारे पास कनेक्ट हुई एलईडी ज्यादा अच्छा ब्राइट ब्राइटर uh, ग्लो करती है एंड फील विच वायर गेट्स वार्मर एंड डिस्कस ऑल्सो डिस्कस द कॉस्ट ऑफ कॉपर एंड एलुमिनियम वायर एंड देन कंक्लूड विच वायर इज़ सुटेबल फॉर डिफरेंट सर्किट्स बेस्ड ऑन देयर कंडक्टेंस देयर रेजिस्टेंस एंड देयर कॉस्ट और इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हमारे पास किस वायर की रेजिस्टेंस कम है और किसकी कंडक्टेंस अच्छी है नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ वायर सो वायर की लेंथ हमारे पास एक बहुत अहम रोल प्ले करती है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में बिकॉज uh, अगर हमारे पास वायर शॉर्ट होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी एंड रेजिस्टेंस इज बेसिकली द द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट तो तो अगर हम शॉर्ट वायर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास करंट का फ्लो बेहतर होगा लेकिन अगर हम लॉन्ग वायर का इस्तेमाल करेंगे तो करंट के फ्लो रेजिस्टेंस की वजह से करंट के फ्लो में कमी आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ करंट इन शॉर्ट वायर्स इज ग्रेटर एज कंपेयर To the current flow in long wires because longer wires have more resistance as compared to the shorter ones. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वायर की थिकनेस की तरफ सो अ थिन वायर हैज़ स्मॉल डायमीटर बट ग्रेटर रेजिस्टेंस इसी तरह अगर हम थिक वायर की बात करें तो इसका डायमीटर हमारे पास लार्ज है बट रेजिस्टेंस इसकी स्मॉल है तो हम जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगी तो करंट के फ्लो को किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो इन द थिक वायर इज़ ग्रेटर एज तो कंपेयर टू द करंट दैट फ्लो इन अ थिन वायर अपनी वर्कशीट की तरफ जो कि यहाँ पर आपको दी गई है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है आप वहां से इजीली क्लिक करके तो इस वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं तो अपनी वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए कुछ देर के लिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए वेरी गुड मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा नाउ लेट्स मूव टूअर्ड्स आज के लेक्चर के अंदर हमने तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया जिसमें से नंबर वन था हमारे पास लेंथ ऑफ वायर एंड शॉर्टर वायर्स आर प्रेफरेबल इन इलेक्ट्रिक सर्किट बिकॉज लॉन्गर वायर्स है फ्लो ऑफ करंट बट वेन इट कम्स टू दिकनेस ऑफ वायर वी डिस्कस दैट थिकर वायर्स हैव लेसर रेजिस्टेंस डू टू देर लार्जर डायमीटर एंड अलाउ द करंट to flow easily as compared to the थिनर वायर्स विच हैव मोर रेजिस्टेंस और अगर हमने वायर की टाइप को डिस्कस किया तो हमने कहा कि वायर्स दैट आर मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर्स लाइक कोपर आर आइडियल बिकॉज दे हैव लेस रेजिस्टेंस एंड दे ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी विद मिनिमल रेजिस्टेंस एंड मेंटेन दी हाई एफिशिएंसी तो हम उन वायर्स को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए जिनकी रेजिस्टेंस कम होती है और जो फुल एफिशेंसी के साथ सर्किट के अंदर फ्रंट को पास करवा सकती हैं सो नेक्स्ट इन हम अपने अगले लेक्चर के अंदर अपनी कुछ स्किल्स